नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान में टीकाकरण किया गया। शिक्षक वर्ग समाज को दिशा देने वाला होता है। कलेक्टर झाबुआ 4 सितंबर 2021 सहित चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातक और महाविद्यालय झाबुआ में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान में विद्यार्थियों हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों का टीकाकरण सम्मान समारोह में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने कहा कि शिक्षक वर्ग समाज को नई दिशा देने वाला है। श्री मिश्रा ने कहा कि टीकाकरण महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं छात्र छात्राओं ने लगभग 100% टीकाकरण करवाकर जिले में एक मिसाल प्रस्तुत की है। मैं सभी को बधाई देता हूं। जिले में कोई भी कोविड पेशेंट नहीं होने से झाबुआ कोरोना मुक्त है, किंतु कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, जिसके लिए सभी को सजग एवं जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। जन सहयोग एवं प्रशिक्षकीय टीम के प्रयासों से जिला कोरोना मुक्त हुआ है। जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने एवं स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिले में बेहतर काम हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मैं यहाँ के विद्यार्थियों से आह्वान करना हूँ कि वे जब गांव जाएं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपने परिवार को जागरूक करें एवं अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ग्रामीण ध्यान न दें। यह टीका आपकी सुरक्षा एवं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए संजीवनी के रूप में है। जिसके द्वारा पहला डोज नहीं लगवाया है उसे तत्काल लगवाएं एवं जिनका सेकेंड डोज शेष है उन्हें भी समय पर टीकाकरण करवाएं। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती डॉक्टर अंजना मुवेर सोलंकी द्वारा किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के समस्त प्रोफेसर, लेक्चरर, स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे।